To get the notification of our new videos, please subscribe to our channel and press the bell icon button. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? उम्मीद परी के साथ आज आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की सिंधी बिरयानी लेके आई हूँ। वैसे तो आपने सिंधी बिरयानी काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने भी ट्राई की होगी, हर घर में बनती है, बड़ी हमारी फेमस डिश है, लेकिन हर एक का टेस्ट अलग होता है, जायका अलग होता है, इन्ग्रीडियंट्स कुछ डिफरेंट होते हैं। तो आज मैं अपनी जो सिंधी बिरयानी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के 7 अदद, इनको आपने बिल्कुल इसी तरह कट करना है, बड़ा बड़ा सा, छोटे आपने नहीं इसको काटने। इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने फाइनली चॉप करके रख लिया हुआ है, ये इसमें हमारे जाएंगे 3 टेबलस्पून भर के। रेड चिली पाउडर हमारा जाएगा 1.5 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी हमारी जाएगी 1 टीस्पून, सॉल्ट हमारा जाएगा 1 टीस्पून क्योंकि सॉल्ट हमारे चावलों के अंदर भी जाता है। धनिया पाउडर इसमें मैं 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ, गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये गरम मसाला ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जायफल जावित्री का पाउडर ये 1 टीस्पून जाएगा, इससे भी बिरयानी का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का होता है। फूड कलर हमारा जाएगा, इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून भर के वनीला एसेंस बिरयानी वाला वो डाल दिया हुआ है। तेज़पत्ता 7 से 8 मैंने लिए हैं और इसके साथ 1 चम्मच मैंने भर के ज़ीरा लिया है। ये हम अब जब अपना पानी बॉयल करेंगे चावलों के लिए, ये हमारा उसके अंदर जाएगा। 15 अदद मैंने आलू बुखारा लिया है। आलू बुखारा फ्रेंड जब भी अपने इसको अच्छे से वॉश करके फिर इस्तेमाल करें क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मिट्टी होती है। इसके साथ मैंने हमारे कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिनमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, सॉरी ब्लैक साबुत मैंने मिर्चें ली हैं। इसके साथ मैंने ये क्लॉव्स तकरीबन 1/2 टीस्पून यानी कि लौंग, इलायची हमारी जाएगी 8 से 10 अदद, बादियान के फूल हमारे जाएंगे 6 अदद और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं तकरीबन 10 से 11 अदद, ये भी मैं अपने खड़े मसालों में डालूंगी। इसके साथ मैंने नींबू लिए थे 6 अदद, जिनको आपने इस तरह सर्कल राउंड में कट कर लेना है। हरी मिर्चें बुलेट चिली ग्रीन मैंने ली हुई है यहाँ पे और ये मैंने ली थी 8, इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है और ये 3 अदद मैंने राउंड शेप में इनको भी कट कर लिया है। 1/2 कट्टी मैंने पुदीने की ली है और 1/2 कट्टी मैंने धनिए की ली है। इसको आप फाइनली साफ़ करके अच्छी तरह से वॉश करके इसको रख लें। दही इसमें हमारा जाएगा 1/2 किलो, मैंने इसमें आलू लिए हैं 1/2 किलो, जिनको मैंने हल्दी डाल के 1/2 डन बॉयल करके इनको मैंने हल्का सा फ्राई करके रख लिया हुआ है। चिकन हमारा 1.5 kg जाएगा, इसको भी आपने अच्छे से वॉश करके रख लेना है। प्याज मैंने लिए थे बड़े वाले 5 अदद, इनको मैंने काट कर फाइनली इनको मैंने इस तरह फ्राई करके ब्राउन करके रख लिए हैं। ये मैंने कुछ प्याज गार्निश के लिए बचाना है, बाकी मैं आपके सामने इसका स्टेप बाय स्टेप अपनी सिंधी बिरयानी का सारा प्रोसेस लेके आती हूँ। तो बिस्मिल्लाह करके लेट्स स्टार्ट नाउ, देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। जी तो व्यूअर्स, मैंने चावलों को पानी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। पानी जब भी आप चावल बॉयल करें डेगचा बड़ा लें, खुला पानी लें और जितनी ये मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये मेरे 1.5 kg अच्छे वाले बासमती राइस हैं। ये मैं जितने इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ ये इतने चावलों के लिए इनफ है। और इसके साथ मैं यहाँ पे बे लीफ और अपना ज़ीरा जो है वो आपके सामने डाल रही हूँ। इसके साथ
मैंने भर के 5 चम्मच नमक के डाल देने हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सिंधी बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो इसमें स्पाइस ज़बरदस्त किस्म के ही होने चाहिए। तो जब तक हमारा पानी बॉयल होता है हम अपनी बिरयानी के कोरमे की तरफ चलती हैं। और पानी हमारा बॉयल हो रहा है, इसको अच्छे से बॉयल करके चावल आपने इसमें, अगर तो आपका सेला चावल है तो एक कली आपने रखने हैं, और अगर आपका बासमती चावल है तो आपने 2 कली चावल रख के बॉयल करके उतार लेने हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे इसको चावल डाल के बॉयल करके 2 कली उतार कर पानी उतार के रख लेने हैं। तो अब हम अपने कोरमे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो फ्रेंड्स हम अपने कोरमे की तरफ आ गए हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, तो वैसे तो इसमें प्याज सबसे पहले ब्राउन करते हैं, लेकिन मैं वो आपको दिखा चुकी हूँ कि प्याज मैंने पहले ब्राउन कर लिए हैं, इसलिए अब मैं यहाँ से भर के 3 चम्मच जो है मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाएगा। 3 चम्मच भर के हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। इसको आप थोड़ी सी इसकी भुनाई करें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुनाई हो रही है। इसको भूनने के साथ हमने यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना है अपना चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें फ्रेंड्स आप चिकन की जो बोटी है थोड़ी सी बिरयानी के अंदर बड़ी रखवाया करें, और कढ़ाई के अंदर हमेशा छोटी बोटी का इस्तेमाल करें। अभी इसमें मैं कुछ भी और ऐड नहीं करूंगी, बस मैं इसको लहसुन में और इसके में अदरक में बस इसकी ज़रा भुनाई करूंगी। जैसे इसका कलर चेंज होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स ये हमारी भुनाई हुई है अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अपने चिकन की। अब हम इसमें अपना प्याज डालेंगे जो कि मैंने फ्राई करके तैयार करके रखा हुआ है कोरमे के लिए। ये हमारा प्याज चला गया इसके अंदर। अच्छे से आप इसकी बुनाई करें, और इसके साथ ये जो मैंने आपको अपने स्पाइसेस बताए थे सारे पीसे हुए ये जाएंगे। बिस्मिल्लाह। पानी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं अभी कर रही। इसके साथ फ्रेंड्स हमने ये जो हमारे खड़े मसाले थे ये भी इसके साथ ही हम डालेंगे अपने कोरमे में। अच्छे से इसकी मैं
5 मिनट के लिए भुनाई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो फ्रेंड्स हमारे चावल ऑलमोस्ट तकरीबन ये डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निथार कर इनका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लूँगी। आपने चावलों की इसी तरह कनी रखनी है, ज़्यादा ये देखें ये 2 कनी चावल आपने रखने हैं, इससे ज़्यादा आपने चावलों को नहीं पकाना, क्योंकि बिरयानी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि कोरमे के अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर रखें, ताकि जब हम दम देते हैं तो बहुत अच्छा सा दम आ जाता है। तो अभी मैं इसका पानी ड्रेन करने के बाद आपको अपने कोरमे की तरफ लेके चलती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कोरमा बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। पानी मैंने बिल्कुल इसमें नहीं डाला, ये चिकन जो है ये अपना पानी डाल रहा छोड़ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आकर के ये मैंने कुछ आपको सर्कल राउंड में अपनी मिर्ची दिखाई थी, ये मैं डालूँगी। बस इतनी सी कि ना इसमें इतनी सी मिर्ची डालूँगी मैं। इसके साथ में अभी फ़िलहाल दही डालूँगी, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ना है। और फ्रेंड्स ये जो पानी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये मेरा वो पानी है जिसके अंदर मैंने अपने आलू जो हैं वो बॉयल किए थे, यानी कि हल्दी वाला पानी, ये मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं कुक करूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ कि हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने जब भी बिरयानी बनानी है, कोई सी भी आप बिरयानी बनाए, आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, कोरमे के अंदर आपने इतना सा पानी जो है वो छोड़ देना है, ताकि हमारा जो है बिरयानी वो अच्छे से दम में भी आ जाती है। क्योंकि जब हम 15 मिनट के लिए दम देते हैं, पहला दम हमारा होता है तेज़ आँच पे 5 मिनट के लिए, और उस 5 मिनट में ये पानी जो है वो सारा हम ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए आपने इस पानी को कम नहीं करना। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर डाल देने हैं आपने। टमाटर आपने ऐसे ही बड़े साइज़ के रखने हैं, छोटा टमाटर आपने नहीं डालना। और इसके साथ आपने टमाटर सारे हमारे डल गए, इसके साथ आपने हमारे जो लेमन है वो डाल दें। लेमन डाल दिए आपने, ग्रीन चिली डाल दी आपने, आलू बुखारे जो हैं वो डाल दें, और पुदीना, इसके साथ धनिया आप अच्छे से डालें, इसके साथ आप ये आलू डालने हैं। अब आपने यहाँ पर आकर के अपने जो चावल हैं वो आपने इसके ऊपर डालने हैं, बड़े आराम के साथ इसमें चावल डालते जाएं आप ऊपर। अभी मैं आपको चावल बाकी के भी डाल के तो दिखाती हूँ। चावलों को बिल्कुल इसकी तह जो है लगा दी है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देती जा रही हूँ कि जब आप चावलों की इस तरह से तह लगा लें, कोई सी भी बिरयानी हो, तो आपने ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो आपने ज़रूर डालना है, यानी 4 से 5 चम्मच ऑयल ज़रूर डालें। इससे हमारा जो चावल है वो बिल्कुल भी टूटता नहीं है। ये हमने डाल लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है हमारा जायफल जलवत्री का पाउडर। इससे बहुत अच्छी हमारी बिरयानी के अंदर खुशबू आएगी।
ये आपने डालना है। इसके साथ फ्रेंड्स आपने हमारे जो प्याज हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल दें और इसके साथ आपने फूड कलर जो है इसमें मैंने केवड़ा एसेंस जो है ये मैंने डाला हुआ था वो मैं डाल रही हूँ, ये आप डाल दें अपनी बिरयानी के अंदर और इसको आपने तेज़ आंच पे पहले 5 मिनट के लिए और उसके बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको दम देना है और उसके बाद हम आपके सामने इसको डिश आउट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से स्टीम जो है इसके अंदर आ चुकी है और हमारी ये जो सिंधी बिरयानी है फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त बन गई है। आइए हम सब मिलकर इसको एंजॉय करते हैं और मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ और इसके बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी ये बिरयानी बनी है और मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिंधी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने बिल्कुल वही स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है जो बिल्कुल सिंधी बिरयानी के स्टेप होते हैं, इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की गई। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखते हुए हमारी आज की सिंधी बिरयानी मिल करके इंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़।